बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़खरियात। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब लेक्चर मेडिकोस्फीयर। हेयर वी आर प्रोवाइडिंग द फार्माकोलॉजिकल सीरीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक मेनली होते क्या हैं? एक किसी भी लोकल एरिया की तरफ क्या है, एनेस्थीजिया काज कर देना। अगर यहाँ पे कोई यानी कि कट लग गया है तो यहाँ पे अगर सूचर्स अप्लाई करने हैं तो यहाँ सबसे पहले एनेस्थीजिया करना पड़ेगा लोकली। जो डेंटल करते हैं वो भी क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक करते हैं। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ टू क्लासिफिकेशन, एस्टर एंड अमाइड। अब इनकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एस्टर्स में लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, जो लॉन्ग एक्टिंग है उसमें कौन सी है, टेट्राकेन। टेट्रास याद रखना है चार से, टेट्राकेन। देन द शॉर्ट एक्टिंग इज द प्रोकेन। प्रो मैनी पहले, शॉर्ट केन, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग में प्रोकेन और लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन। इसके बाद आ जाती है सरफेस एक्शन। जिनका सरफेस एक्शन है इसमें बेंजाकेन है और कोकेन है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये है, ये क्या है, ईस्टर। अगर ईस्टर है तो यहां पे ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है, सूडोकोलिनेस्ट्रेजेस। तो सूडोकोलिनेस्ट्रेजेस इनको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो इनकी जो शॉर्ट लाइफ होती है वो तकरीबन 3 to 5 मिनट, मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स होती है। क्योंकि ये जब भी प्लाज्मा में जाते हैं तो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे सूडोकोलिनेस्ट्रेजेस इन्हें क्या करते थे, डिग्रेड कर देते हैं। तो इनकी जो शॉर्ट लाइफ होती है वो एक तो इसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। दूसरा, ईस्टर में सिर्फ और सिर्फ एक आई होगा। यहां देखिए, ये टेट्राकेन में भी, प्रोकेन में भी, बेंजाकेन में भी और यहां पे। अब आ जाते हैं इन केस ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स दो किस्म के, एक है लॉन्ग एक्टिंग, दूसरा है मीडियम एक्टिंग। अच्छा, जो लॉन्ग एक्टिंग है इसमें क्या है, बोपिवाकेन, और ये है रोपिवाकेन और ये है लिडोकेन। अब जो इसका इंपॉर्टेंट है, एमाइड्स क्या करते हैं, लिवर में जाते हैं और वहां डिग्रेड होते हैं। तो इनका जो शॉर्ट लाइफ होगी, यानी कि लॉन्ग जो हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी। तो इसको याद रखना है, बुपीवाकेन का 3.5 आवर होता है, इसका 4.2 और इसका 1.5। यह क्या होगा, CYP450, यानी कि जो साइटोक्रोम P450 है वो उसे क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। और इसमें देखें दो आई होंगे, अमाइड में एक आई है तो एक प्लस करेंगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक आई होगा और जो अमाइड में क्या होगा, दो। इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस आ जाए तो आप वहां पे क्या करेंगे, एक आई, यहां पे दो आई, यहां पे सूडोकोलिनेस्ट्रेसिस मेटाबॉलिज्म और यहां पे जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर की है। और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और इनका जो अमाइड्स का होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये तो होगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। अब आ जाते हैं इसकी केमिस्ट्री में। अब इसकी जो केमिस्ट्री में क्या होता है, जो पीकेए वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8 to 9 होती है। एक्सेप्शन है बेंजोकेन की, जो सरफेस एक्शन के ऊपर बेंजोकेन है उसकी एक्सेप्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। तो क्या है, जब भी हम लोकली ये अप्लाई करेंगे तो ड्रग के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये लिपिड बाइलेयर है ये सारी, तो लिपिड बाइलेयर चार्ज नहीं क्रॉस कर सकेगा, लिपिड बाइलेयर। तो ये पहले चार्ज अपना क्या कर देती है, माइनस हाइड्रोजन आयन। जब भी चार्ज लूज करेगी तो ड्रग, ये कोई चार्ज नहीं इसके, तो ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर लेगी। और इसके दो मैकेनिज्म है, एक तो ये डायरेक्टली जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, दूसरा ये इनसाइड चली जाएगी। जब ये इनसाइड चली जाएगी तो ये दोबारा हाइड्रोजन आयन गेन कर लेगी और पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे जाके एक्ट करेगी और सोडियम की एंट्री नहीं होने देगी। जब भी सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा, एनेस्थीजिया काज हो जाएगा। ये तो है एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। अगर पोटाशियम बाहर ज्यादा है तो यह क्या कर देगा, एनेस्थेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। पोटाशियम एनेस्थेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है जबकि कैल्शियम एनेस्थेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आती है, अब देखिए इनको किस फॉर्म में देते हैं। अब ये क्या है, आप उसने कहीं भी जहां पे सूचर लगाना है तो इंजेक्शन देते हैं। जब भी इंजेक्शन देंगे तो ये क्या हो सकता है, ये स्किन है,
तो ये जो इंजेक्शन देंगे तो ये ब्लड वेसल में जा सकती है, तो ब्लड वेसल में तो ये जाय हो जाएगी, हार्ट दूसरे ऑर्गन की तरफ चली जाएगी। तो हमारा काम तो यहीं पर है, तो इसलिए क्या करते हैं, अल्फा एगोनिस्ट देते हैं। क्या देते हैं? अल्फा एगोनिस्ट देते हैं, अल्फा वन एगोनिस्ट, जो कि इसकी क्या करा देगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी और यहाँ पे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो जो हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं वो अल्फा एगोनिस्ट के साथ देते हैं हमेशा, लेकिन कोकेन एक ऐसी है जो कि क्या है, इसकी सिंपथेटिक एक्टिविटी खुद ब खुद है, अल्फा वन के ऊपर खुद ब खुद एक्टिविटी करेगी। वो कैसे? अच्छा, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कोकेन का, ये है नॉर एड्रिनर्जिक न्यूरॉन, मेनली नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है। तो कोकेन क्या करती है, अब ये नॉर एपिनेफ्रिन जो रिलीज होता है ये दोबारा बॉडी क्या करती है, रीअपटेक कर लेती है। अगर कोकेन हमने दी है तो कोकेन क्या करती है, नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है, जब ये रीअपटेक को इनहिबिट कर लेगी तो नॉर एपिनेफ्रिन क्या होगी, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगी, ये अल्फा वन पे जाएगी और क्या करेगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देगी, यहां पे क्या कर देगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वहां पे तो हमें अल्फा वन एगोनिस्ट देने पड़ने थे, यानी कि फिनाइलएफ्रिन देनी पड़नी थी, लेकिन यहां पे हम नहीं देंगे क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक एबिलिटी है, क्योंकि ये नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज करा रहा होता है। तो दैट्स वाई इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो कोकेन है वो उसकी इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? इंक्रीजिंग सिंपैथेटोमिमेटिक एक्टिविटी। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अच्छा, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, नर्व फाइबर्स वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट किस्म के नर्व फाइबर्स, उनकी टाइप्स और उनकी कंडक्टिविटी और डायमीटर दिखाया हुआ है। जो टाइप ए होते हैं नर्व फाइबर वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, हमने सेकेंड ईयर की फिजियोलॉजी में किया था। जो अल्फा होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, बीटा टच के लिए, और जो गैमा है मसल स्पिंडल, और जो डेल्टा है टेम्परेचर के लिए। इसके बाद जो आते हैं टाइप बी प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक, टाइप सी पेन। अब जो ए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, माइलिनेटेड हैं, जिनकी इनके ऊपर क्या होती है, माइलिन की शीत होती है। और जो टाइप बी है वो क्या है, लाइट है थोड़े से, इनके उसके ऊपर कुछ है कुछ नहीं है। टाइप सी हैं जिनके ऊपर नन ऑफ द माइलिन शीत। अब जिस तरह की ये सीक्वेंस है इसी तरह का डायमीटर डिक्रीज होता है, यानी कि अल्फा का क्या होगा 12 to 20, इसी तरह डिक्रीज होता जाएगा, टाइप सी का बहुत कम होता है। इसी तरह कंडक्टिविटी भी इसी तरह होती है, पहले सबसे ज़्यादा होती है टाइप ए में अल्फा की, फिर बीटा गैमा डेल्टा, टाइप बी टाइप सी। टाइप सी की कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। तो जो लोकल एनेस्थेटिक हैं वो मेनली नॉन माइलिनेटेड फाइबर पर जाके एक्ट करेंगे, यानी कि टाइप सी फाइबर जो कि पेन वाले फाइबर है। इसीलिए तो कहते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक में क्या होते हैं, बाकी मेनली ठीक रहते हैं, पेन के फाइबर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको हमने स्टॉप करना है, पेन को स्टॉप करना है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में हम क्या करते हैं, माइनर सर्जरी, जिसमें डेंटल्स वगैरह और जो सूचर्स वगैरह लगा रहे होते हैं उनके लिए। दूसरा है यूज विद एपिनेफ्रिन, हमने देखा था एपिनेफ्रिन क्यों यूज करते हैं जबकि अल्फा वन एगोनिस्ट, क्योंकि हमने वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि जो हमने कहीं भी अप्लाई किया है तो आगे वेसल्स के जरिए कहीं और ना चली जाए, इसलिए हमने उसके साथ साथ एपिनेफ्रिन दे दिया या फिनाइलएफ्रिन दे दिया, अल्फा वन एगोनिस्ट दे दिया, ताकि वहीं का वहीं लोकल एक्टिविटी हो, कहीं रिमोट ना पहुंच सके। इसके बाद हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ताकि वो क्या करे, इसको वीक बेस को उसके अंदर लेके चला जाए। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया और न्यूरोपैथिक पेन में इसके इंपॉर्टेंट है टैकीफिलेक्सिस हो जाता है, इस तरह टैकीफिलेक्सिस को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, टॉलरेंस की प्रोलॉन्ग फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, हम टॉक्सिसिटी डिस्कस करेंगे। टॉक्सिसिटी में सबसे पहले CNS इफेक्ट, अगर हमने दी उसके बाद वो ब्लड से चलेगी और CNS में पहुंचगी तो मेनली क्या होगा, लाइट हेडेडनेस ज़्यादा नहीं होगा,
रेस्टलेसनेस, नेस्टिग्मस जो आई का होता है नेस्टिग्मस, टोनिक कोलोनिक कॉन्ट्रेक्शन जिनके थोड़े से सीजर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आती है सीवियस इफेक्ट्स। सीवियस इफेक्ट्स किस में होंगे? ब्यूपोवाकेन, ब्यूपोवाकेन ये क्या होता है? रिसेमिक दो का मिक्सचर होता है और ये क्या करता है? कार्डियोटॉक्सिसिटी, हाइपोटेंशन एंड एरिदमिया। यहाँ पे हाइपोटेंशन है, सारे जो है मेनली अक्सर ये जो सीवियस इफेक्ट करते हैं वो हाइपोटेंशन काज करते हैं, एक्सेप्ट कोकेन ये हाइपरटेंशन काज करता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि ब्यूपोवाकेन है वो क्या करेगी? हाइपोटेंशन काज करेगी और जो कोकेन है वो हाइपरटेंशन काज करेगी। कोकेन क्यों करेगी? ये कि इसने क्या कर दिया, नॉरएपिनेफ्रीन के रिलीज को इंक्रीज कर दिया कोकेन ने। जब भी नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये जो वेसल्स के ऊपर नॉरएपिनेफ्रीन जाएगी और क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी काज करेगी। जब भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी काज करेगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब भी यानी कि उसका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो कोकेन की वजह से हाइपरटेंशन होगी और इनका मैकेनिज्म नहीं होता कॉन्ट्रैक्टिलिटी का, तो इसलिए यहाँ पे हाइपरटेंशन होगी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लेना है। और ये बच्चे गलत कराते हैं हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन के दरमियान डिफरेंस। इसके बाद है अदर इफेक्ट्स। अदर इफेक्ट्स में प्राइलोकेन है वो क्या बना देती है, अल्फा टोलीडीन। अच्छा, अल्फा टोलीडीन क्या करती है, हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देती है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसको क्या कर देती है, हीमोग्लोबिन के Fe3+ में, Fe3+ में ये क्या हो जाता है, मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्राइलोकेन है ये क्या करती है, अल्फा टोलीडीन में कन्वर्ट हो जाती है और ये मेथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करा देती है, फॉर्मेशन ऑफ द मेथ हीमोग्लोबिन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज, प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोज फीवर। थैंक्स अ लॉट।